दिस इज ऐश्वारा एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स तो गए शायद जावा सीरीज का हमारा पहला वीडियो है जिसमें मैं ऐसे मैन टू मैन मैन टू वैन जो भी पढ़ाने के लिए आई यू राइट तो देखो देर इज़ अ रीज़न एंड द रीज़न इज मुझे यहाँ पे एक्स पे पैकेजेस जो है वो आ, पढ़ाना है ओके okay? तो मुझे यहाँ पे पैकेजेस जो है वो डिस्कस करने और पैकेज डिस्कस करने का मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा था तो दिस इज़ द ओनली तरीका एनी anyway, वे तो पैकेज होता क्या है उस पर बात करना है इस टॉपिक में और बाकी जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू पैकेज वो सब अब डिस्कस करने वाले हैं बट बिफोर दैट अगर चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन कर देना हिट और पुराने हो तो आराम से एंजॉय करो कुछ सीख के जाओ और प्लीज़ नोट बनाते चलो यार ये वीडियो हो या कोई सा भी वीडियो देखते हो ना तो नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट तो वो बनाते चलो मतलब मे बी मैं लास्ट में जा करके जैसे एस वगैरह के लिए वीडियो लाइक नोट दे दी थी वैसे मैं नोट्स दे दूँ मे बी पॉसिबल आई एम आई एम नॉट श्योर मैंने अभी तक बनाना शुरू नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट बट अगर दे पाओ तो ठीक है और नहीं भी दे पाऊँ तो तुम्हारे पास अपना नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो बनाते चलो एनीवे वे अब चलते हैं डिस्कस करते हैं पैकेज के बारे में तो सबसे पहले पैकेज होता क्या है तो देखो पैकेज जो है ना अगर मैं इसको बुकेश टर्म में बोलूँ तो दैट इज़ कलेक्शन ऑफ सब पैकेजेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो ये चीज़ जो तुम सर्च करके पढ़ सकते हो गूगल पे राइट तो इसको कैसे समझना चाहिए तो देखो एक मान लेते हैं हमारा एक मेकअप किट है बॉयज़ प्लीज़ ऑफेंड नहीं होना सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे ही मिले अभी तक तो यहाँ पे थोड़ा सा ओके okay, तो अब मान लेते हैं हमारे पास एक मेकअप किट है अब मेकअप किट के अंदर बहुत सारे सामान हो सकते हैं राइट तो मेकअप किट इज़ नथिंग बट पैकेज ओके बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे सामान हैं अब क्या मेकअप किट के अंदर सिर्फ लिपस्टिक होती है तो नहीं तो वो तो लिपस्टिक किट हो जाएगा मेकअप किट कैसे होगा मेकअप किट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है सेम थिंग इज़ विद पैकेज पैकेज के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास होते हैं पैकेज के अंदर क्लास हो सकते हैं तुम्हारे सब पैकेजेस हो सकते हैं तुम्हारे लाइक um, मेथर्ड्स like, हो सकते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं हर एक चीज़ हो सकता है तुम्हारे पैकेज के अंदर सेम लाइक योर मेकअप किट जिसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है पर क्या ऐसे रैंडम कुछ भी हो सकता है मतलब मेकअप किट के अंदर मैं मसूर दाल रख सकती हूं क्या नहीं बिल्कुल नहीं राइट क्यों क्योंकि क्यों हम डिफरेंट थिंग भले ही रख सकते हैं पर वो डिफरेंट थिंग जो है वो सेम टाइप का होना चाहिए राइट सेम थिंग इज देयर कि पैकेज के अंदर तुम सेम टाइप की चीज़ें रख सकते हो पैकेज के अंदर तुम सेम टाइप के क्लासेस रख सकते हो सेम टाइप के मेथड्स रख सकते हो लाइक like जो भी चीज़ें तुम रखोगे वो सारी इंटर रिलेटेड होनी चाहिए उन सब में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए एक पैकेज के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए सब सेम टाइप का होने चाहिए जस्ट लाइक like तुम्हारा काजल और तुम्हारी लिपस्टिक ये दोनों टोटली totally डिफरेंट है सेम चीज़ नहीं है पर दे आर ऑफ सेम टाइप बिकॉज इनका काम सेम है इनका काम है तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ाना राइट right? तो यहाँ पे उनका काम सेम हो जाता है सेम चीज़ तो वो समझ गए ये चीज़ हो गया पैकेज अब पैकेज तो हमें समझ आ गया अब हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर ले कि हमें पैकेज की ज़रूरत क्या है राइट right, पैकेज क्या होता है समझ के अब आते हैं कि हमें पैकेज की ज़रूरत क्या है इस चीज़ पे आते है. तो देखो पैकेज की जो ज़रूरत है सबसे पहली तो वो ये है कि पैकेज जो है ना वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अब प्रोटेक्शन कहाँ से आ गया तो जब मेकअप किट में लगा होता है ना चेन या डब्बा या कुछ वैसा लगा होता है राइट तो उसमें जब डब्बा बोल रही हो या ढक्कन या कुछ भी लगा होता है तो वो क्या है ना कि कवरिंग एक लगी होती है तो उससे तुम्हारा जो सामान है वो इंटैक्ट रहता है एक साथ रहता है राइट वो प्रोटेक्टेड रहता है कोई और उसको ऐसे खट से उठा के नहीं ले जा सकता ले जाने से पहले उसको पैकेज को लेना पड़ेगा उसको किट को लेना पड़ेगा सेम थिंग देखो अभी हम क्या कर रहे हैं हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे थे बिकॉज हमें सीखना है राइट जब तुम रियल टाइम प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो तो तुम्हें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने होंगे एंड बड़े बड़े से आई I मीन mean, बहुत बड़े बड़े तो एक प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पैकेज हो एक प्रोग्राम में मोर देन वन पैकेज विल बी देर ओके जब विल टर्म मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दैट विल बी देर ओके तो हो गए उसके बाद एक पैकेज में एक ही क्लास हो जरूरी नहीं है तुम्हारे जो मेकअप किट होता है उसमें बहुत सारे पाउडर्स हो सकते हैं right? राइट तो इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है तो सेम चीज़ वहाँ भी है वहाँ पे तुम्हारे एक पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस पॉसिबल हैं लेकिन अब मान लेते हैं कि हम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लिख रहे हैं जिसमें दो पैकेजेस हैं पैकेज ए एंड पैकेज बी अब पैकेज बी को एक ऐसे क्लास की ज़रूरत है जो कि पैकेज ए में मौजूद है उसके अपने पास नहीं है लेकिन पैकेज ए में है तो अब वो कैसे ले सकता है उसको लेने से पहले उसको पैकेज ए को करना होगा इम्पोर्ट मतलब तुम दूसरे पैकेज से अगर तुम्हें कोई क्लास या कोई चीज़ चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरे पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा तो एक तरह से प्रोटेक्शन हो गया ना कि ठीक है तुम मेरी फैमिली मेम्बर को ले जा रहे हो तो उससे हम पूरी फैमिली उठ के चले जाएंगे उसके बाद ही तुम ले सकते हो ऐसे हम नहीं जाने देंगे क्या ताकि क्या होगा ना कि हम उसके साथ रहेंगे इन केस तुम उसको ले जा रहे हो मारने के लिए तो हम सारे मिलके पीटेंगे तुम्हें तो so, इस तरह की चीज़ें राइट तो ये हो गई तो, पहली चीज़ इस चीज़ के लिए हमें चाहिए सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज रखने के लिए पैकेज का काम आता है कि सब कुछ एक टाइप का एक साथ होता है तो so, ये हो गई दूसरी चीज़ एंड उसके बाद क्या है कि नेमिंग कॉलेजन जो है उसको हटा देता है अब नेमिंग कॉलेजन क्या हो गया तो मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आ, मैंने तीन क्लासेज रखे ओके तो मेरे दो, दो क्लास सॉरी तीन क्लासेज हैं मेरे प्रोग्राम में एक क्लास का नाम है ए दूसरे का नाम है बी तीसरे का नाम है ए तो ए बी ए फाइन लेकिन अब क्या है ना कि मेरे प्रोग्राम में दो क्लास ऐसे हैं जिनका नाम ए हो गया राइट तो अगर ये तीनों क्लासेज सेम पैकेज के अंदर है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ओके दिस इज़ नॉट पॉसिबल एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेज आर अलाउड बट सबका नाम अलग अलग होना चाहिए मतलब एक मेकअप किट के अंदर मल्टीपल लिपस्टिक आर अलाउड बट एक अच्छा वाला होना चाहिए एक बुरा वाला होना चाहिए सेम लिपस्टिक पच्चीस डाल के तुम क्या करोगे शेड अलग अलग होने चाहिए राइट right? तो वही चीज़ है कि शेड जो है वो अलग अलग होने चाहिए सेम नाम का दो और लाइक मल्टीपल क्लासेस तुम्हारे नहीं होने चाहिए एक पैकेज में तो इसीलिए नेम कॉलिजन जो है वो हटा देता है क्या सेम नाम का क्लास दूसरे पैकेज में हो सकता है मतलब ये कि लेट्स से पैकेज ए में हमारा एक क्लास है क्या नाम डाल दे उसका इफ एल्स ओके जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल तो एक इफ एल्स नाम का क्लास है हमारे पैकेज ए में तो क्या इफ एल्स नाम का एक और क्लास पैकेज बी में हो सकता है अरे बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वो दूसरे क्लास दूसरे पैकेज का क्लास है तो दैट इज ओके तुम्हारा जो नाम है वो दूसरे बंदे का नाम हो सकता है अगर वो दूसरी फैमिली का है क्या ही फ़र्क पड़ रहा है राइट right? तुम्हारी फैमिली में यूजुअली जो तुम्हारा नाम है वो दूसरे का नाम नहीं होता है पर ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मेरा नाम ऐश्वर्या है दुनिया में बहुत सारी ऐश्वर्या है राइट पर मेरी फैमिली में मैं ही हूँ राइट तो ये चीज़ होना चाहिए तो दैट इज़ वॉट पैकेज टेस्ट वो नेम कॉलेजन को हटा देता है अब मान लो मेरी फैमिली में जितनी लड़कियाँ हैं सबका नाम ऐश्वर्या हो जाए तो कितना कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा अब एक को बुलाया जाएगा सभी उठ के पहुँच जाएंगी लेकिन अगर अब डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ में डिफरेंट डिफरेंट आश्वर्या है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिसको बुलाया जा रहा है उसको पता है कि मेरे को बुलाया जा रहा है राइट right, तो डिफरेंट पैकेज में सेम नाम का क्लास हो सकता है क्लास ए तुम्हारा हज़ार पैकेजेस में हो सकता है लेकिन क्लास ए दो क्लास का नाम ए तुम्हारे एक पैकेज में नहीं हो सकता है तो बस ये थी पैकेज की कहानी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले एक्सेस मॉडिफायर एंड पोस्ट दैट हम लोग घुस जाएंगे ऊपस के अंदर बिकॉज ऊपस जो है वही तो मेन चीज़ है वही तो हमें सीखना आता अभी तक तो हम सिर्फ वार्म अप कर रहे थे अभी तो हम बस जावा से फैमिली हो रहे थे तो शायद अब सबको समझ आ गया होगा कि पैकेज क्या होता है अगर समझ आ गया तो वीडियो को करो लाइक और जितना ज़्यादा मन करे ना उतना ज़्यादा शेयर करो बिकॉज तुम लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हो और वो व्यूज़ देख के समझ में मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है तो आराम से इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करो शेयर बस इतना ही कहना था तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सेस मॉडिफायर तो स्टे हेल्दी स्टे फिट लव यू ऑल this is ashwara signing off bye bye